हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एजाज खान और एलविश यादव और रजत दलाल की कंट्रोवर्सी की। तो दोस्तों, आपको याद होगा जब एजाज खान ने शुरू में यूट्यूबर्स को गाली देना स्टार्ट करा था और उनको वार्निंग देनी स्टार्ट करी थी, तो उन्होंने सबसे पहले एलविश यादव और रजत दलाल का नाम लिया था। तो उसके बाद इन सबका प्लान बना था मुंबई में मीटअप का और कह रहे थे कि वहां पे हम लड़ाई करेंगे। और तो दोस्तों, एलविश यादव और रजत दलाल तो मुंबई भी गए थे एजाज खान से लड़ने के लिए, पर कुछ हो नहीं पाया था और धीरे धीरे इनकी कंट्रोवर्सी खत्म हो गई थी। पर दोस्तों, एजाज खान ने अपने एक इंटरव्यू में एलविश यादव और रजत दलाल को भर भर के गालियां दी है और तो उनको फट्टू तक बोला। और तो एजाज खान ने ये भी कहा जो सारे यूट्यूबर्स हैं वो डरते हैं मेरे से। तो उन्होंने और क्या कहा जरा देखिए। सो अभी ये एलविश यादव और रजत दलाल वाला सीन क्या था? कौन है ये एलविश यादव और रजत दलाल? है कौन ये लोग? आप तो उन्हीं को ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से कि आ जाओ मिलो। अरे बात मैं करो। तो उन्हें ढूंढ रहा था जो मुझसे लड़ने आ रहे थे, बाद में नीचे ही नहीं उतरे। तो अब मैं ऐसे लोगों को जानता ही नहीं हूँ जिनके पिछवाड़े में दमी नहीं है। दिक्कत क्या थी? दिक्कत कुछ नहीं थी। ये लोग, इनके बारे में बात मत कर। दे आर स्टूपिड नॉनसेंस पीपल। दे वॉन्ट टू लिव फेक लाइफ, फेक कार्स, फेक फॉलोअर्स, फेक कमेंट्स, एवरीथिंग फेक। राइट, आई एम अ रियल, आई बिलीव इन रियलिटी। तो दोस्तों, एलविश यादव की बात चल रही है तो बात करते हैं एलविश यादव और शिवानी कुमारी की। तो दोस्तों, यहाँ कटारे भी मान चुके हैं कि शिवानी कुमारी ने अपने ब्लॉग में गलत बोला। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बता दिया था कि जब लक्ष्य अर्चित शिवानी के घर गए थे और शिवानी से माफी मांगी थी उनकी आवाज का मजाक उड़ाने के लिए, तो इस पर शिवानी कुमारी ने अपने ब्लॉग में ये कहा था कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मेरी जनता डिसाइड करेगी कि तुम्हें माफ करना है नहीं। और तो उन्होंने एलविश यादव को लेकर ये भी कहा था कि एलविश भैया को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी, जिसका रिप्लाई एलविश यादव ने दे दिया शिवानी कुमारी को। तो दोस्तों, अब एलविश यादव और लव कटारिया साथ में और उन्होंने शिवानी कुमारी को रिप्लाई दिया। और यहाँ पे कटारिया ये भी कहते हैं कि मैं मानता हूँ शिवानी ने गलत बोला, पर लव कटारिया साथ में ये भी कहते हैं कि अभी उसकी एज कम है इसलिए उसमें अक्कल नहीं है कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना, वो थोड़ी बड़ बोली टाइप की है। तो क्या कहते हैं एलविश यादव और लव कटारिया जरा देखिए। मेरी इनसे बात भी होगी, सारी चीजें क्लियर है। बस मेरे को शिवानी से देखो मेरी बातचीत है नहीं, कभी होगी भी नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता, ऑल्दो बट मैं कटारिया की बहुत खास दोस्त है, इसलिए मैं जस्ट कटारिया से बोलना चाहूंगा कि द वे शी रिएक्टेड आफ्टर दे सेड सॉरी टू हर वाज जस्टिफाइड और नॉट। भाई देखो, जस्टिफाइड तो सिंपल सा नहीं, मतलब इन्होंने आगे से सॉरी बोला, इन्होंने अगर कुछ बोला भी होगा तो सॉरी बोला, बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छा जैसे भाई होगा। जैसे उसने बोला भाई सिंपल सी बात है, मेरे को भी मैंने ब्लॉग तुम्हारे उसके बाद देखा, मेरे को बुरा लगा, मैंने सोचा इसको कॉल भी करता हूँ, पर वो भी आज बैंगलोर थी, मैं शूट के बात करूंगा। पर यार असलियत में ना वो बैंगलोर में फोन नहीं होगा, कोई नहीं, वो ऐसी है यार, वो थोड़ी ना समझती है, मतलब वो कुछ भी बोल देते जो उसके मुंह में आता है, मेरे को भी पता क्योंकि बिग बॉस के घर में भी ऐसी वो ऐसी है, पर वो मीन नहीं करती भाई इन चीजों को। हाँ, मेरे को भी लगा कि हाँ भाई गलत बोल रहा है, ऐसे क्यों बोला, क्योंकि उस टाइम में मैं था भी नहीं, मैंने ब्लॉग भी तुम्हारे बाद देखा, समझा दूंगा उसको भी कॉल करके, मगर भाई ये गलत है, ये चीजें अगर बोलनी भी थी तो हम वहीं पे थे, मेरे सामने भी बोलती, मैं तो इनफैक्ट इनको भी कह रहा था, मगर सॉरी मांग लो यार, क्या बात हो गई इसमें, कोई सॉरी मांग लो, बोला गया सॉरी मांगने के लिए नहीं, मतलब मैं तो मजे ले रहा था, बोला भी था पर मजे में बोला था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं राजीव फिटनेस और प्रदीप ढाका जाकी कंट्रोवर्सी की। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एजाज खान के दोस्त और राजीव फिटनेस के दोस्तों के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहां एजाज खान की तरफ से थे प्रदीप ढाका जाट और राजीव फिटनेस की तरफ से थे प्रिंस राजपूत। तो इसके बाद बहुत सारे लोग राजीव फिटनेस को ये मैसेज कर रहे थे कि भाई तुम प्रिंस राजपूत के सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे। तो इसका रिप्लाई राजू फिटनेस ने वीडियो बनाकर दे दिया था, पर दोस्तों राजू फिटनेस ने प्रदीप ढाका जाट को गंदे वाला रोस्ट कर दिया। उन्होंने एक रील लाइक करी जहां प्रदीप ढाका जाट की गंदे वाली बेइज्जती हो रखी है और उन्होंने उस रील के नीचे कमेंट भी करा। पहले आप वो रील देखिए। ढाका भाई आज मर्सिडीज लेके कहां जा रहे हो? भाई मैं तुम्हारा ढाका सबको कर दूंगा आका बागा, तो भाई तुम देख सकते हो अपनी ये पैसा बहुत है बड़े पास, ये अपनी सोने की चैन है भाई, ये अपनी मर्सिडीज है, अभी जा रहा हूँ भाई मैं उरस लेने, लैम्बर्ट चोगनी उरस लेने जा रहा हूँ भाई, और अगली वीडियो उसी पर आएगी, तो भाई मिलते हैं और पीनट बटर खाओ भाई मेरा झाट जैसा, ठीक है मेरे जैसा शरीर बनाओ भाई, धन्यवाद दोस्तों। चलो, और दोस्तों आप ये कमेंट भी देख सकते हो जो राजू फिटनेस ने करा था इस रील के नीचे। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि राजू फिटनेस फुल सपोर्ट दे रहे हैं प्रिंस राजपूत को और कह रहे हैं कि अगर थप्पड़ खाने की बात आएगी तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँ। दोस्तों इसको लेकर प्रिंस राजपूत बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और उन्होंने अपने दोस्तों के लिए एक रील अपलोड करी अपने इंस्टाग्राम पर, तो वो क्या कह रहे हैं जरा देखिए। और भाई एक चीज और, एक चीज की खुशी है कि जिंदगी में भाईचारा कमा रखा है, जो अपनी यारी दोस्ती में समय देता हूँ, जो अपने भाई के लिए खड़ा होता हूँ, ये टाइम होता है कि जामे भाई साथ देते हैं। एक मेरी गैल हर बिरादरी खड़ी है, मेरी गैल जाट भी है, राजपूत भी है, गुज्जर भी है, ब्राह्मण भी है, सारी बिरादरी है लमसम, ठीक। यहाँ फर्क इंसान का पता चल रहा है उसकी गैल कौन है, सामने वाले गैल कौन है और मेरी गैल कौन है, यहाँ इंसान के वर्चस्व का पता चलता है। और भाई रही बिरादरी की बात, तो मेरी गैल जितने जाटों के बड़ा खड़े हैं ना, अपने आप में एक एक अपने आप में बहुत चीज़ है कि मेरी भी जुड़ना है उनमें, तो वे अकेले अकेले एक एक समेट लेंगे, मुझे जुड़ती ना इस तक कुछ करने की। तो भाई भाईचारा कमाओ, भाईचारे पे
निछावर रहो भाई, ज्यादा बढ़िया कुछ नहीं है। और दोस्तों प्रदीप ढाका जाट ने भी रिप्लाई कर दिया राजवीर फिटनेस की उस वीडियो का। तो आपको पता ही है कि राजवीर फिटनेस ने इस वीडियो में प्रदीप ढाका जाट को कहा था भाई वन वर्सेस वन करके देख ले और देखते हैं कि किसके पीछे ज्यादा दम है। तो दोस्तों इस पे प्रदीप ढाका जाट ने क्या रिप्लाई करा राजवीर फिटनेस को जरा देखिए। ओ क्षेत्र के धाराड़े, तुझे खाली क्षेत्र की धारा पता है, 307 और 308 कभी नहीं देखी है और 302 तो तेरी पीठी ने भी नहीं देखी होगी। सुन तेरे सोपन चैलेंज है, कभी पीठ पीछे वार नहीं करूंगा, सामने से वार करूंगा। अगर दम है तो आज तेरे इंस्टाग्राम में अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ, देखता हूँ कितना बड़ा तुम्हारा दया जा। और इंजेक्शन की दुकान फूले हुए पाउडर, सिर्फ तू इंस्टाग्राम का बदमाश है, बातें बातें तेरे बस की कुछ नहीं है। कब आएगा आजा देखता हूँ। और जब तू ये भाव भाव लगा रहा ना, तेरे भाव तेरे चूतड़ा में घुसता दिखेगा। एक का भाव तूने 10 लगाया ना, मैं 31 का भाव दूं, आजा देखता हूँ कितना बड़ा मर्द है तू, आजा। दोस्तों बात करते हैं एजाज खान की। तो दोस्तों एजाज खान ने बात करी जो मुनावर फारूकी को भी हेट मिल रहे। तो आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुनावर फारूकी ने अपने शो में कुनार के लोगों के ऊपर मजाक बनाया था, जिसके बाद से उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था लोगों की तरफ से। और तो लोग तो मुनावर फारूकी को सोशल मीडिया से बॉयकॉट करने तक की बात कर रहे हैं। तो इस पे एजाज खान का रिएक्शन आ गया। उन्होंने मुनावर फारूकी को सपोर्ट करते हुए कहा है कि मुनावर को बॉयकॉट तो मत करो, कम से कम एक मौका तो दो इसे। तो वो क्या कहते हैं जरा देखिए। मुनावर फारूकी पे आप लोग एक ट्रेंड चला रहे हो, बॉयकॉट मुनावर फारूकी। क्यों यार, किसी को इतना प्यार देते हो, उसको जिताते हो, उसको आसमान तक ले जाते हो, फिर उसको गिरा देते हो। ऐसा मत करो। मुनव्वर फारूकी ने मुझे बोला है स्पेशली फोन करके कि भाई मैंने किसी अल्लाह के वलियों पे और औलियाओं पे मैंने कोई भी कमेंट नहीं किया हूं। ये वॉइस नोट सुनो, आपको पता चलेगा। और भाई उसको प्यार करो, गालियां मत दो किसी को। अगर ले जाते हो ना तो ऊपर तक ले जाओ, नीचे मत खींचो मेरे यारो। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, वॉइस नोट तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। पहले तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करता हूं खैरियत से होंगे घर में सब। भाई आप मेरे को जितना जानते हो वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के वलियों की इज्जत क्या है और उनका रुतबा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि मैं ना समझूं।